नमस्कार, डीलाइट न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनल, और आइए रुक करते हैं क्राइम से जुड़ी खबरों की ओर। इंदौर में गुंडों ने एक युवक की आंखें निकाल ली, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज कर पीड़ित को टरका दिया। अब जब एक कुख्यात बदमाश पकड़ा गया तो परिजनों ने उसके खिलाफ प्राण घातक मामला दर्ज करने की मांग की है। डीआईजी ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि आरोपों के खिलाफ प्राण घातक हमले का मामला दर्ज होगा। 30,000 रुपए के बदले निकाली आंख, इंदौर में गुंडों की हैवानियत। पुलिस ने मामूली धारा में दर्ज किया केस, नकली आंख लगाकर घूम रहा पीड़ित। इंदौर में गुंडागर्दी का एक बेहद ही खौफनाक चेहरा सामने आया है। घटना अप्रैल माह की है। यशवंत रोड में रहने वाले 25 वर्षीय आसिफ गैराज का कामकाज करता है। अप्रैल माह में जब वह साउथ तोड़े से गुजर रहा था, तभी फौजा गैंग का सागर अड्डा, बुच्चू, इरशाद और रऊफ ने उसे रोका और अवैध वसूली के लिए 30,000 रुपए की मांग की। जब आसिफ ने रुपए देने से मना किया तो बदमाशों ने चाकू से युवक की एक आंख निकाल दी। घायल आसिफ ने मोम की नकली आंख लगाई है। खाना खाने गया था, साहब हमला कर दिया मेरे को, पैसे मांगने लगे। अद्दा बाटी जो इनके लोग हैं, क्या बोला? पैसे मांगने लगे, पैसे नहीं दिए, हमला कर दिया। कितने रुपए मांगे? पैसे मांग रहा था 20-30 हजार को मांग रहा। तो आपने क्या, मेरे पास थे ही नहीं, मेरे साथ पैसे निकाल लिया। ये साहब कुछ चाकू या कुछ ऐसी धारदार चीज मारी, उससे निकली आंख। इतनी बड़ी घटना के बाद भी रावजी बाजार पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। जब यह पता लगा कि सागर अड्डा को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है तो परिजन डीआईजी ऑफिस पहुंचे और घटना की जानकारी दी। आसिफ के पिता और उसकी मां ने डीआईजी से मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामला यह है कि जिम ने गया था एक जगह, उन लोगों, अपना बच्चा आसिफ, उन लोगों ने जिम के आ रहा था, उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सागर अड्डा फौजा इन लोगों ने सबके नाम फिर रावजी बाजार गया हो, वहाँ रिपोर्ट लिख गई। आज तक 1.5-2 महीने होगा, कोई सुनवाई नहीं था। क्या निकाल दी उसकी आंख? निकाल दी उसकी। कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं यशवंत रोड। वहीं डीआईजी ने बताया कि रावजी बाजार पुलिस अब प्राण घातक मामले का केस दर्ज कर रही है। ये अभी समक्ष में आए थे, इनका ये कहना था कि अप्रैल के महीने में 6 अप्रैल को इनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें इनकी आंख डैमेज हो गई थी, वो आंख इन्होंने रिप्लेस कराई है। उसको थाने में इसका प्रकरण दर्ज किया गया, पर पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। तो अभी थाना प्रभारी को भी बताया गया है कि इनके माननीय न्यायालय में बयान करा दें, और उसके आधार पर जो भी लोग उसमें घटनाक्रम में शामिल हैं, विवेचना भी अपनी करें और उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें, और 3 दिवस में ये कार्रवाई कम्प्लीट करा दी जाएगी। बहरहाल, इस घटना से साफ जाहिर है कि इंदौर में गुंडों के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस गंभीर मामलों में भी कितनी संवेदनहीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।